नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटा 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। बलौदाबाजार जिले में पिछले कई महीनों से डीजल चोरी की शिकायतें मिल रही थी। चोरों द्वारा मुख्य रूप से पेट्रोल पंप में खड़ी ट्रकों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी ही एक मामला जिले मुख्यालय से लगा हुआ गाँव पनगाँव पेट्रोल पंप में भी हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार 2 जून की रात अज्ञात चोरों द्वारा पनगाँव पेट्रोल पंप में खड़ी ट्रकों से डीजल चोरी की शिकायत मिली थी, जिसमें चोरों ने 2 ट्रकों की टंकी तोड़कर 27,000 कीमत की 300 लीटर डीजल चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जिले में ट्रकों से डीजल चोरी की घटनाएं लगातार मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम ने चोरों की पतासाजी शुरू कर दी। पनगाँव पेट्रोल पंप में चोरी की घटना के बाद ट्रक से डीजल चोरी के बाद सभी चोर फरार चल रहे हैं, जिसमें से 6 आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि घटना में 8 आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सिटी कोतवाली प्रभारी महेश ध्रुव ने बताया कि डीजल चोरी के मामले में फरार 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल किया गया एक बोलेरो गाड़ी भी जब्त की गई है। ये जून महीने की घटना थी, उसमें हम लोगों ने 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। अभी 2 आरोपी फरार थे, उन दोनों आरोपियों को भी पकड़ा गया है उसमें, और एक बोलेरो वाहन को जब्त किए हैं। इससे पहले एक स्कॉर्पियो वाहन को जब्त किए थे, साथ ही डीजल के जो अन्य सामान थे उनको जब्त किया गया था। और इन्होंने जो डीजल बेचा था, जिस रकम मिली थी उस रकम को भी जब्ती किया गया था। अभी जो 2 आरोपी पकड़ा है वो जयकरण खूटे हैं और एक ननकी यादव हैं। ये दोनों ग्राम खिसोरा थाना बलौदा के रहने वाले हैं, और अभी दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पे भेजा जा रहा है। नहीं, अभी तो इसमें जो एक मुख्य आरोपी था वीरेंद्र करके, वो लड़का पूर्व में ही पकड़ा चुका है। और ये सभी आरोपी जांजगीर चांपा जिले के रहने वाले हैं, और हाईवे पे और हमारे बलौदा बाजार क्षेत्र में लगातार इन लोग डीजल चोरी की घटना को अंजाम देते थे। Horizon Hospital, विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। Horizon Hospital, जलविहार कॉलोनी, कटौतला।